organize this session. You know very well that summers are coming and we need healthy and nutritious soft drinks for our health. आप लोगों को पता है कि जब समर्स आती है तो हमें कहीं ना कहीं इन हेल्दी ड्रिंक्स की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज इन समर जो हमारी बॉडी होती है वो इसको डिहाइड्रेट होने का प्रॉब्लम होता है. दीज सॉफ्ट ड्रिंक्स जो समर में लू वगैरह जो बहुत गर्म हवाएं चलती है और कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है, तो इन्हीं से बचने के लिए आज हम आप लोगों को होम मेड न्यूट्रिशन सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में बताएंगे. ठीक है, जैसे कि कैरी पन्ना विच इज मेड बाय द रॉ मैंगो. कैरी पन्ना जो है वो रॉ मैंगो से बनता है विच इज वेरी हेल्दी फॉर अस. जिसके इंग्रेडिएंट्स रहेंगे रॉ मैंगो दैट मींस कैरी, यू नीड 3 to 4 मैंगोज. ओके, देन शुगर और जैगरी, ये आपके लिए ऑप्शनल है कि आप इसके लिए शुगर यूज करें या फिर जैगरी यानी कि आप लोग गुड़ यूज करें. देन फॉर फ्लेवर वी यूज पुदीना दैट इज मेंट पुदीना एंड देन भुना जीरा, क्यूमिन सीड, रोस्टेड क्यूमिन सीड, काली मिर्च दैट इज ब्लैक पेपर एंड जिंजर. ओके, हाउ टू वी मेक, वेरी सिंपल. जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वॉश ऑल दीज रॉ मैंगोज. ओके, देन टेक अ बाउल और बाद में आपको इसको रॉ मैंगोज को गर्म पानी में बॉयल करने के लिए रखना है. आफ्टर 10 मिनट्स, 8 to 10 मिनट्स आपको इन रॉ मैंगोज को बाहर निकालना है. ठंडे होने के बाद आपको इसको पील करना है तो इसकी जो स्किन निकल जाएगी और पल्प हमारे सामने आ जाएगा. ठीक है, इस पल्प को फिर आप लोगों को लेना है और हम लोग एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे, उस ग्राइंडर के अंदर हम लोग इस पल्प को डाल देंगे, मैश करके उसको डाल देंगे. देन वी एड जैगरी, हम लोग इसके अंदर गुड़ मिक्स करेंगे. देन वी एड लिटिल बिट ऑफ ब्लैक पेपर एंड जिंजर ऑल्सो. ओके, ये सब डालने के बाद हम लोग इसमें वाटर ऐड करके उस मिक्सर को ब्लेंड करेंगे तो हमारे पास एक थिक शेक तैयार हो जाएगा. ब्लेंडर से निकालने के बाद जब हम लोग इसे किसी बाउल में खाली करेंगे उसके बाद इसके अंदर भुना हुआ जीरा और पुदीना फ्लेवर के लिए डालेंगे और इसको स्ट्रेन कर लेंगे. स्ट्रेन इज वेरी नेसेसरी क्योंकि छानने से जो इसके अंदर जो इसके फाइबर्स होते हैं जो रेशे होते हैं वो पीछे रह जाएंगे, हमारे पास एक स्मूथ पेस्ट उसका तैयार रहेगा. और जब आप इसको अपने किसी भी जार के अंदर इस जो है जूस है इसको भरकर रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं जो आपके रेफ्रिजरेटर में 7 to 8 days तक प्रिजर्व रह सकता है. जब आपको इसको यूज करना हो तब आपको क्या करना है, टेक अ ग्लास एंड लिटिल अमाउंट ऑफ दिस जूस एंड सम वाटर स्टिर एंड यूज इट. इट इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उसको हेल्दी रखने के लिए. कहीं ना कहीं ये एंटी इंफ्लेमेटरीज भी होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर से काफ़ी जो ऐसे सॉल्ट को कम करता है जो हमारे लिए यूजफुल नहीं रहते. नेक्स्ट, इसी में अगर हमें नाम लूंगी तो वो होगा इमली आना या फिर हम लोग सिंपल वर्ड में बोलेंगे इमली का पानी जो मोस्टली घरों में यूज होता है ना. इमली का पानी या इमली आना जिसे कि मराठी हम लोग आमटी भी बोलते हैं, ये मोस्टली लू जब चलती है आप कह सकते हैं कि मई जून का जो मंथ होता है उस टाइम में इसमें हर घर में ये बनाया जाता है. बनाना बहुत ही ईजी है, यू हैव टू टेक टैमरिंड. इफ यू टेक 1 bowl ऑफ टैमरिंड देन यू यूज 2 bowls ऑफ जैगरी और गुड. ओके, बिकॉज इमली बहुत ज़्यादा खट्टी होती है तो उसके खट्टेपन को कम करने के लिए हमें कहीं ना कहीं जैगरी को थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करना पड़ेगा. आप लोगों को गुड़ और इमली दोनों को एक बाउल में सोप करके रखना है विद इन फॉर 1 hour. ओके, 1 घंटे में जब वो पूरा इमली जब पिघल हो जाएगी मेल्ट हो जाएगी देन हमें उसको मैश करना है और उसके में से जो अगर बीज वगैरह हो इमली के वो हमें निकालने. ठीक है, उसके बाद इमली और गुड़ का जो पानी है हम उसको स्ट्रेन करेंगे और छान लेंगे. छानने के बाद वही सेम थिंग है कि छानने के इस प्रोसेसर में जो इमली के जो रेशे होंगे या गुड़ के अंदर जो अनप्योरिटी होती है वो क्या होगी, बाहर आ जाएगी. अब इस छाने में जो पानी है इस पानी का हम लोग यूज़ करेंगे अपना जूस बनाने के लिए. नाउ जो आपके पास अभी इमली और गुड़ का जो पानी है अब आप
ऐड करेंगे रोस्टेड क्यूमिन सीड्स, भुना हुआ जीरा, पुदीना एंड ब्लैक सॉल्ट फॉर फ्लेवर। ठीक है, आप लोग इसको एज यूजुअल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस पेस्ट को, इस लिक्विड को जार में भर के अपने फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हैं फॉर 7 to 8 days। और जब आपको इसको यूज़ करना हो तो फिर आप लोग इसको एक ग्लास में लीजिए, इतनी स्मॉल क्वांटिटी, देन पुट वाटर इन और फिर आपको इसको पिलाना एंड रेडी टू यूज। हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैरी पन्ना, ओके, एंड हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलिया। They both are very useful for our body, very nutritious, जो आप लोग मार्केट से फ्रीजर सॉफ्ट ड्रिंक्स लेकर आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर प्रिजर्वेटिव और एडेड ही, मतलब जो फ्लेवर्स होते हैं वो एडेड होते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं होते, जो आप मार्केट के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ये इतने हमारे लिए गुड नहीं होते। लेकिन अगर आप इन्हीं होम मेड सॉफ्ट ड्रिंक्स का यूज़ करते हैं तो पहली बात तो क्या है, बनाने भी आसान है और ये आपकी बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ओके, एज प्रमिला मैम टोल्ड यू अबाउट, टॉट यू अबाउट टू यमी ड्रिंक्स विच वर मेड बाई यूजिंग कैरी एंड इमली। सो बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट ड्रिंक, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू द बेनिफिट्स ऑफ दीज सॉफ्ट ड्रिंक्स। फर्स्ट, लाइक दीज सॉफ्ट ड्रिंक्स हाइड्रेट आवर बॉडी, मतलब ये ड्रिंक्स जो हैं हमारी बॉडी में वाटर की जो लैक, समर सीजन में पानी की जो हमारी बॉडी में कमी होती है उसे फुलफिल करते हैं। सेकेंड, दीज ड्रिंक्स डिटॉक्स आवर बॉडी, मीन्स हमारी बॉडी में समर सीजन में जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेस स्वेटिंग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, उस सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन को लोअर डाउन करने में हेल्प करते हैं ये जो हेल्दी डिलीशियस ड्रिंक्स होम मेड है वो। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट स्ट्रोक, ये सबकी स्पेशलिटी है इन ड्रिंक्स की, जस्ट बिकॉज ये लिक्विड फॉर्म में हमारी बॉडी में पहुँच रहे हैं, हमारी बॉडी में वाटर के अमाउंट को मेंटेन करके रखते हैं। तो समर सीजन का जो मेन ड्रॉबैक है हमारी बॉडी को हीट स्ट्रोक से प्रोटेक्ट करते हैं, जिसे हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं कि हमें लू लगती है, उस लू से बचाते हैं हमारी बॉडी को हाइड्रेट करके। नेक्स्ट, इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी, सारे जितने भी ये जो होममेड ड्रिंक्स हम आपको सिखा रहे हैं इन सब में जो मेन कॉम्पोनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है दैट इज विटामिन सी, और विटामिन सी जो है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, मतलब समर सीजन में होने वाली ब्लड डिजीज से प्रोटेक्ट करेगा। साथ ही साथ ये सारी जो ड्रिंक्स हैं ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी मीन्स ये हमारी बॉडी का जो बाउल सिस्टम है उसे बैलेंस करके रखता है और हमें एसिडिटी या गैस्ट्रिक जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करके रखता है। नाउ कम टू द रेसिपी, और नेक्स्ट रेसिपी है लस्सी। एवरीबॉडी, हर एक के घर में कर्ड जो है समर सीजन का एक मेन फूड पार्ट होता है हमारी डाइट का, जिसमें हम कर्ड इंक्लूड करते हैं, उसी कर्ड को यूज में लेके हम एक सिंपलेस्ट लस्सी बना सकते हैं। फॉर दैट वी नीड कर्ड, मिल्क, शुगर एंड कार्डेमम, दैट इज नॉन एज इलायची, कार्डेमम जिसे हम जनरली बोलते हैं इलायची। टू प्रिपेयर लस्सी वी नीड कर्ड एंड मिल्क इन इक्वल अमाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक ए बाउल इन विच वी हैव टू इंक्लूड कर्ड, मिल्क, शुगर एज पर योर टेस्ट एंड देन वी हैव टू ऐड फ्यू लिटिल अमाउंट ऑफ कार्डेमम पाउडर। देन वी हैव टू चर्न दिस लिक्विड मिक्सचर ऑफ कर्ड, मिल्क एंड शुगर प्रॉपरली सो दैट किसी भी तरह का कोई लंप या कर्ड का पीस उसमें ना रहे। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू सर्व इन दैट चिल्ड लस्सी टू आवर फैमिली मेम्बर्स, टू आवर गेस्ट ऑल्सो। इसके अंदर अगर हमें फ्लेवर चाहिए, जैसे कि अगर हम बच्चों को बोलते हैं तो जनरली कुछ बच्चे होते हैं जिनको मिल्क पसंद नहीं होता या उसकी स्मेल पसंद नहीं होती है, तो इन दैट वी कैन ऑल्सो एड आर सीजनल फ्रूट्स लाइक मैंगो पल, वाटरमेलन पल, स्ट्रॉबेरी पल, बनाना पल, ऑल्सो वी कैन ऐड टू एनहेंस द टेस्ट एंड फ्लेवर ऑफ दैट लस्सी। ये तो था हमारा लस्सी। नेक्स्ट वी कम टू द रू अफजा। रू अफजा मतलब गुलाब का शरबत, जो नॉर्मली समर सीजन में सबके फ्रिज में हम लोग मिलेगा। नॉर्मली कई लोग उसे मिल्क में ऐड करके पीते हैं, कई लोग पानी के साथ पीते, उसे बनाना भी बहुत सिंपल है। फॉर दैट वी नीड रोज पेटल्स,
sugar, rose essence and food color. First of all, we have to soak rose petals in a container for overnight. पूरी रात के लिए रोज पेटल्स को पानी में सोक करके रखेंगे. मॉर्निंग में ये जो सोक्ड रोज पेटल्स है उसे स्ट्रेन करेंगे ताकि रोज पेटल से वो सेपरेट हो जाए और कलर्ड वाटर जो है वो हमारे पास सेपरेट हो जाए. आफ्टर दैट वी विल ऐड शुगर इन दैट रोज वाटर एंड पुट दैट दैट वाटर ऑन गैस फॉर 10 to 15 minutes सो दैट एक थिक कंसिस्टेंसी हमारे पास आ जाए. रोज वाटर को शुगर ऐड करके हम बॉईल करेंगे थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी का. आफ्टर दैट हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और उसके अंदर ऐड करेंगे रोज एसेंस की कुछ ड्रॉप्स और रेड फूड कलर या पिंक फूड कलर की कुछ ड्रॉप्स फॉर प्रॉपर कलर. एंड देन वी कैन स्टोर आवर लिक्विड ऑफ रू अफ्जा इन एन एयर टाइट कंटेनर और रू अफ्जा फ्रॉम 10 to 15 days तक विदाउट प्रिजर्वेटिव विदाउट एडिंग एनी हार्मफुल प्रिजर्वेटिव स्टोर करके रख सकते हैं. जब आपका मन करे इन ड्रिंक्स को आपने निकाला इसमें आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग वाटर ऐड किया और हमारा जो रेडी टू सर्व जो ड्रिंक फ्रूटी फ्रूटी एक ऐसा ड्रिंक है जो छोटे से बच्चे से लेके बड़ों को सबको पसंद आता है और एवरीबडी वॉन्ट्स टू ड्रिंक दैट फ्रूटी और माजा और उसके लिए हम नॉर्मली मार्केट जाते हैं मार्केट से रेडी टू ड्रिंक जो ड्रिंक्स हैं माजा या फ्रूटी वो लाते हैं. लेकिन उसके अंदर कई तरह के प्रिजर्वेटिव होते हैं कई तरह के आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं जो हमारी बॉडी को हार्म कॉज करते हैं. तो सो टुडे वी विल लर्न हाउ टू प्रिपेयर फ्रूटी और माजा एट होम. फॉर प्रिपेयरिंग फ्रूटी और माजा वी नीड सम इन्ग्रेडियंट्स लाइक राइप मैंगोज रो मैंगो दैट इज ऑल्सो नोन एज कैरी शुगर एंड 3 to 4 लेमन. सबसे पहले हमें राइप मैंगोज और कैरी जो है उसे पील करना है और उसे स्मॉल पीसेस में कट करना है. आफ्टर दैट फॉर 2 to 3 minutes हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में उसे बॉइल करना है जस्ट बिकॉज टू सॉफ्टन द कैरी. जो कैरी होती है वो हार्ड होती है तो उसे सॉफ्ट करने के लिए जस्ट फॉर 2 to 3 minutes हम उसे बॉइल करेंगे. आफ्टर दैट एक ब्लेंडर में मैंगो कैरी और शुगर को मिक्स करके उसे प्रॉपर ब्लेंड करेंगे सो दैट किसी भी तरह का कोई मैंगो या कैरी का पीस या शुगर के लंप्स ना रहे. ब्लेंड करने के बाद हम उसे एक स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन करेंगे टू गेट अ थिक टू गेट अ थिक स्मूथ पल्प. देन वी विल ऐड 2-3 उसके बाद हम उसके अंदर 2-3 लेमन जो उसे स्क्वीज करेंगे मतलब उसके अंदर नींबू निचोड़ेंगे. नींबू जस्ट इसीलिए ऐड किया जा रहा है ताकि अगर हम फ्रूटी को स्टोर भी करें तो लेमन जो है प्रिजर्वेटिव की तरह वर्क करता है और 10 to 15 days तक हमारा जो फ्रूटी है वो ख़राब नहीं होगा वो उसमें से फॉल स्मेल नहीं आएगी. इस तरह से जो फ्रूटी हमारे पास आएगी उसे हम फ्रीज में एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं. जब भी हमें मन हो फ्रूटी पीने का या गेस्ट आते हैं तो उन्हें सर्व करने के लिए सेम जैसा मैम ने बोला एक स्मॉल अमाउंट में ग्लास में हमने पल्प पॉर किया उसके अंदर वाटर मिक्स किया प्रॉपर स्टेयर करके हम हमारे गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं. अगर हमें पीना है तो हम भी उसे ड्रिंक एज ए सॉफ्ट ड्रिंक हम पी सकते हैं ताकि हमारे बॉडी जो है समर सीजन में हाइड्रेट रहे. थैंक यू.